नेहरू साइंस सेंटर मोसेस बर्ली नाका महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बीच बहुत ही सुंदर वातावरण के मध्य स्थित है। इस साइंस सेंटर का प्रस्ताव सन 1827 से लेकर सन 1861 के मध्य आ गया था। इसका प्रस्ताव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली के मुख्य कोतवाल श्री गंगाधर नेहरू के नाम से रखा जा रहा था। इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित 1972 में बॉम्बे भारत में एक आपराधिक वकील स्वर्गीय श्री रजनी पटेल के द्वारा किया गया था और इसके नाम को भुनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के नाम से। 2 नवंबर 1972 को 6 एकड़ भूखंड को लीज पर लेकर तभी से इसका विकास प्रारंभ हुआ। नेहरू साइंस सेंटर में साइंस गैलरियों को देखने का टिकट ₹160 प्रति व्यक्ति है। नेहरू तारा मंडल शो की अवधि 90 मिनट है, जो आपके सिर के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर बने ग्लोब नुमा कपड़े के पर्दे पर प्रोजेक्टर की पिक्चर को धमाकेदार संगीत के साथ डाला जाता है। यहाँ एक साथ 300 से लेकर 500 लोग वातानुकूलित वातावरण में सीटों पर बैठकर शो का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक शो 3D भी होता है, जिसमें चश्मे की मदद से दिखाया जाता है। विज्ञान से संबंधित हर जानकारी के मॉडल बने हुए हैं, जिससे बच्चों को अच्छी जानकारी मिलती है। ऊर्जा का कन्वर्टन मॉडल बनाकर भरपूर समझाया गया है। संगीत कैसे पैदा होता है, यहाँ इसे समझाने की अलग अलग वर्कशॉप है, जो बहुत सुंदर बनी है। इसी कैंपस में पूर्व में रेलवे इंजन, स्टीम लारी, हवाई जहाज के असली मॉडल रखे हुए हैं, जो मन को मोहते हैं। कुल मिलाकर बच्चों के लिए यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए एक स्वस्थ माहौल है। विज्ञान की बारीकियों से अवगत कराने का एक सुगम पथ है।